हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रजनी ऑफ नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं रिस्क फैक्टर ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि जो गर्भाशय की गांठ होती है उसके कौन से ऐसे कारक होते हैं जिनकी वजह से जो महिलाएं होती हैं उनको बच्चे दानी की या फिर गर्भाशय की गांठ हो सकती है। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर की, मतलब इसके जो कारक हैं कि किस वजह से जो फीमेल्स होती हैं उनको गांठ हो जाती है बच्चे दानी में, तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है नल्ली पराइटी। नल्ली पराइटी का मतलब होता है कि ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट तो होती हैं लेकिन वो किसी भी जीवित बच्चे को जन्म नहीं दे पाती हैं, उनको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं नल्ली पराइटी। एक होता है नल्ली ग्रेविडा। तो जो नल्ली ग्रेविडा होता है उसका मतलब होता है कि ऐसी महिलाएं जो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं होती हैं उनको हम कहते हैं नल्ली ग्रेविडा। लेकिन जो नल्ली पराइटी फीमेल्स होती हैं वो ऐसी महिलाएं होती हैं जो प्रेग्नेंट तो होती हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं लेकिन उनकी प्रेगनेंसी आगे टर्मिनेट हो जाती है, उनका बच्चा अबॉर्ट हो जाता है या फिर स्टिल बर्थ हो जाता है या फिर आईयूडी हो जाती है, ऐसे बहुत से कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, वो किसी भी हाल में बच्चे को, जीवित बच्चे को जन्म नहीं दे पाती हैं। तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं उनमें बच्चेदानी की गांठ होने के चांस सबसे अधिक होते हैं, सबसे ज्यादा रिस्क होता है ऐसी महिलाओं को यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होने का। नेक्स्ट इसमें सेकेंड है मल्टीप्रायरिटी। मल्टीप्रायरिटी का मतलब होता है कि ऐसी महिलाएं जिनकी 3 बार से अधिक बार डिलीवरी हो चुकी है उन फीमेल्स को हम बोलते हैं मल्टीप्रायरिटी। तो जो ऐसी फीमेल्स होती हैं इनमें भी जो बच्चेदानी की गांठ होती है उसके होने के रिस्क ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट इसमें थर्ड आता है ओबेसिटी, मतलब कि जो फीमेल्स बहुत मोटी होती हैं जितनी उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट होना चाहिए उतना नहीं होता बल्कि उनकी हाइट से अधिक उनका वेट हो जाता है, तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं उनमें भी जो गर्भाशय की गांठ होती है उसके होने के रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं। फोर्थ इसमें आता है हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन्स। जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है अगर किसी वजह से शरीर में इसका लेवल बढ़ जाए तो इसकी वजह से भी जो गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, उसकी गांठ हो सकती है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो सकता है। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ है यूज ऑफ हाई डोज ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, मतलब कि जो महिलाएं अधिक गर्भनिरोधक गोली का यूज करती हैं या फिर उसकी अधिक डोज लेती हैं ऐसी महिलाओं को भी जो गर्भाशय की गांठ होती है उसके होने के चांस ज्यादा होते हैं। जैसे अधिकतर जो फीमेल गर्भनिरोधक के रूप में ओरल पिल्स यूज करती हैं उसका लेने का रूटीन होता है कि उनको रोज एक टेबलेट्स लेनी होती है, लेकिन अगर किसी ने वो भूल जाती है तो वो 2 टेबलेट्स ले लेती हैं या फिर कभी कभी अगर 3 दिन का गैप हो गया तो 3 टेबलेट्स ले लेती हैं या फिर वो बिना डॉक्टर की सलाह के ही इसकी हाई डोज लेती रहती हैं। तो इस वजह से जो फीमेल्स होती हैं उनको यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होने के रिस्क ज्यादा हो जाते हैं, या फिर अगर कोई फीमेल लंबे समय तक कंट्रासेप्टिव पिल्स का यूज करती है तो इसकी वजह से भी उसको यूट्राइन फाइब्रॉइड्स यानी बच्चेदानी की गांठ हो सकती है। नेक्स्ट इसमें 6th पॉइंट है लेट मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब होता है कि जो अंतिम मासिक चक्र होता है महिलाओं का, नॉर्मल क्या होता है कि 45 के बाद जो फीमेल्स होती हैं उनको मासिक चक्र बंद हो जाता है, उनको महावारी आना बंद हो जाता है, लेकिन अगर किसी भी फीमेल की जो महावारी होती है वो 50 साल तक जाती है, 50 साल तक उसको पीरियड्स आते हैं, तो ऐसी महिलाओं में यूट्राइन फाइब्रॉइड्स यानी कि बच्चेदानी की गांठ होने के रिस्क सबसे अधिक होते हैं। नेक्स्ट इसमें 7th पॉइंट है अर्ली मेनार्की। अर्ली मेनार्की का मतलब होता है कि ऐसी गर्ल्स जिनको पीरियड्स पहले ही स्टार्ट जाते हैं, जो प्यूबर्टी की एज होती है, जैसे अगर किसी भी लड़की को 12 वर्ष से पहले ही अगर उसको मेनार्की हो जाती है, उसके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऐसी जो लड़कियां होती हैं उनमें आगे चल के जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होता है, बच्चेदानी की गांठ होती है, फिर गर्भाशय की गांठ होती है, इसके होने के रिस्क ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा हो ही, बस ये सिर्फ ऐसे कारक
बताए जा रहे हैं कि ऐसे कुछ कारक हैं जो जिम्मेदार होते हैं बचदानी या फिर जो गर्भाशय की गांठ बनती है उसके लिए। ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी फीमेल को ओबेसिटी है तो उसको यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो ही, या फिर अगर कोई ऐसी फीमेल है जो हाई डोज ले रही है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का उसको ऐसा हो ही। ये सिर्फ एक रीजन बताया जा रहा है कि मे बी इसकी वजह से यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो सकता है। नेक्स्ट इसमें 8th पॉइंट है हाई इंटेक ऑफ एनिमल फैट्स, मतलब कि जो महिलाएं अधिक मात्रा में एनिमल फैट्स का यूज करती हैं ऐसी महिलाओं को भी गर्भाशय की गांठ होने के रिस्क ज्यादा रहते हैं। 9th पॉइंट है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, मतलब कि अगर विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो ऐसी महिलाओं में भी यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो सकता है। नेक्स्ट इसमें 10th है, लास्ट है फर्टाइल वुमेन, तो जो फर्टाइल वुमेन होती हैं उनमें भी जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होता है उसके होने के रिस्क ज्यादा होते हैं। तो ये 10 ऐसे रिस्क फैक्टर हैं, 10 ऐसे कारक हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होने के लिए, मतलब गर्भाशय की गांठ बनने के लिए। जरूरी नहीं है कि अगर कोई फीमेल बहुत ज्यादा ओबीज है या फिर उसके शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है या फिर उसको विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो उनको वो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो ही। बस ये एक रिस्क फैक्टर बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों में जो गर्भाशय की गांठ होती है उसके होने के चांस अधिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा उनको हो ही, लेकिन उनको चांस ज्यादा रहते हैं। बस यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो much।